ये कहानी शम्सु नाम के गरीब लकड़हारे की है। शम्सु अपनी पत्नी गोपी के साथ रहता था। शम्सु का जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ। गोपी, महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो उसे बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? लकड़ी काटने के अलावा मुझे कोई और दूसरा काम नहीं आता है। आप एक काम कीजिए, मेरे ये सोने के कंगन बेचकर घर का सामान ले आइए। इससे हमारे घर का कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे ये सोने के कंगन तो मेरी माँ ने दिए थे तुम्हें, और तुम्हें ये सोने के कंगन बहुत पसंद है। फिर तुम इन्हें बेचने के लिए कैसे कह सकती हो? गोपी, हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे पैसे कमाने का। तुम ये सोने के कंगन अपने पास संभाल के रखो। इन्हें बेचने का तो मेरा भी मन नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? भूखे पेट भी तो नहीं रहा जाता है। सोने के कंगन तो और आ जाएंगे। अब तुम जल्दी जाओ और ये सोने के कंगन बेच आओ। एक बात ध्यान रखे, किसी के बहकावे में मत आ जाना। आजकल लुटेरे बहुत है, रास्ते में अपना ख्याल रखना। शम्सु सोने के कंगन बेचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे भानु नाम का आदमी मिलता है। वो शम्सु से कहता है, अरे क्यों भाई शम्सु, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लगता है किसी जरूरी काम से जा रहे हो। हाँ भाई भानु, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। दरअसल मैं अपनी पत्नी के सोने के कंगन बेचने जा रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो, महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगाई हुई है। घर में एक पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं ये कंगन बेचने जा रहा हूँ। इन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे थोड़े बहुत दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो शम्सु, अब तुम पत्नी के कंगन बेचकर घर का गुजारा करोगे? और जब कंगन के पैसे खत्म हो जाएंगे फिर घर का गुजारा कैसे करोगे? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन मुझे लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है। फिलहाल इन कंगन को बेचकर कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा, उसके बाद मैं कोई काम देख लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें अपनी पत्नी के कंगन तक बेचने नहीं पड़ेंगे और तुम्हारे घर का गुजारा भी हो जाएगा। सच कहूँ तो भानु भाई, मैं अपनी पत्नी के कंगन बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को ये कंगन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मजबूरी इंसान से हर काम करवा देती है। अच्छा बताओ, तुम मुझे कौन सा काम बता रहे थे जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ? देखो शम्सु भाई, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उस काम को कर लोगे। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले काम तो बताओ मुझे करना क्या होगा। तुम्हें मेरे साथ मिलकर चोरी करनी होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं चोरी वोरी नहीं कर सकता, मुझे भूखे रहना पसंद है, लेकिन मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अरे भाई मैंने कब कहा कि तुम चोरी करो? चोरी तो मैं करूँगा, बस तुम्हें बाहर रहकर नजर रखनी पड़ेगी कि कोई आ तो नहीं रहा है। तुम देखना, केवल 10 दिनों में इतना पैसा होगा तुम्हारे पास जितना तुम अपनी पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकते हो। तुम सही कहते हो भानु भाई, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो अब हमें चोरी कहाँ करनी है ये बताओ। शम्सु चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों चोरी करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है जो हाथ में झोला लिए आ रहा होता है। भानु शम्सु से कहता है, अरे देखो सामने से वो आदमी आ रहा है, तुम्हें उसे अपनी बातों में फंसाना है और यहाँ वहाँ की बातें करनी है। उतने में ही मैं इसका झोला चुरा लूंगा। अब मैं उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, तुम उसे अपनी बातों में लगाओ। शम्सु उस अनजान आदमी के पास चला गया और फिर उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। अरे भाई साहब, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ, अगर तुम मुझे सुहानपुर जाने का रास्ता बता दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अरे क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें जाने का रास्ता बताता हूँ। तुम एक काम करो, इस रास्ते पे सीधे चले जाओ। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें एक गाँव दिखेगा, वो सुहानपुर का गांव नहीं है। अभी तुम्हें और आगे चलना पड़ेगा। 2 मील चलने के बाद तुम्हें दूसरा गांव दिखाई देगा, उसके बराबर से एक रास्ता जा रहा है, तुम उसी रास्ते पे चले जाना, वो रास्ता तुम्हें सुहानपुर पहुंचा देगा। उतने में ही भानु अनजान आदमी के हाथ से झोला चुरा कर ले जाता है। सुहानपुर गाँव का रास्ता तो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ, रास्ता बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर शम्सु वहाँ से फरार हो जाता है।
जब अनजान आदमी को अपने झोले की याद आती है तो वो घबराकर चिल्ला उठता है, अरे मेरा झोला कहाँ गया? लगता है वो रास्ता पूछने वाला चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूँ, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी पूरी महीने की तनख्वाह चुरा ले गया कमबख्त। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो तो मेरे बाल नोच डालेगी। ईश्वर मेरी मदद कर, आज के जमाने में किसी के साथ भलाई करे। भानु और शमसु थोड़ी दूर जाने के बाद उस झोले को खोलते हैं। उस झोले में बहुत सारे पैसे निकलते हैं। देखो भाई, मैंने तुमसे कहा था, कितने सारे पैसे हैं। इतने की तो तुम्हारी पत्नी के कंगन भी नहीं बिकते। अब इन पैसों में से आधे तुम्हारे और आधे मेरे। याद रखना, आज रात हम अमीर चंद के घर में चोरी करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भानु शमसु को आधे पैसे देकर चला जाता है। शमसु भी अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कहती है, आ गए तुम कंगन बेचकर, कितने पैसों के बेके हैं, लाओ जल्दी पैसे दे दो, मैं घर का सामान ले आती हूँ। अरे गोपी, ये लो पैसे और ये लो अपने कंगन, इन्हें संभाल कर रखो, अब हमें कंगन बेचने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ अब इन पैसों से घर का सामान ले आओ, जल्दी जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? अरे तुम ये क्या कह रही हो गोपी, मैं भला गलत काम क्यों करूँगा? अरे मुझे ये पैसे मेरे एक दोस्त ने दिए हैं और उसने मेरी नौकरी भी लगवा दी है। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। शमसु अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है और रात होने पर भानु के पास चोरी करने के लिए चला जाता है। आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब हम अमीर चंद के घर चोरी करने जाएंगे। तुम घर के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना, मैं घर के अंदर जाकर सारा माल चुरा कर ले आऊंगा। अगर किसी को भी हमारे ऊपर कोई शक हो या हमें कोई देख ले तो तुम मुझे सीटी बजाकर सूचना दे देना, मैं तुरंत ही वहाँ से फरार हो जाऊंगा, समझे भाई? अब जल्दी चलो, ये सही वक्त है चोरी करने का। भानु घर के अंदर चोरी करने चला जाता है, जबकि शमसु चौकन्ना होकर चारों ओर अपनी नजर गाड़े रखता है। तभी शमसु की नजर एक बांसुरी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बांसुरी है, मैं बचपन में बांसुरी से कितना खेला करता था, मैं कितनी अच्छी बांसुरी बजाया करता था। खैर अब तो मैं बांसुरी बजाना भूल गया हूँ, एक बार बांसुरी बजा कर देखता हूँ, मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। शमसु उस बांसुरी को उठाकर बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज़ सुनकर कुछ गांव वालों की आंख खुल जाती है और भानु भी घबराने लगता है। अरे ये कौन बेसुरा है जो इतनी रात को बांसुरी बजा रहा है, लोगों का सोना हराम कर रहा है, ये मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। शमसु बांसुरी बजा ही रहा होता है कि तभी एक गांव वाला शमसु से कहता है, अरे कौन हो तुम, पहले कभी तुम्हें नहीं देखा इस गांव में, और ये बांसुरी बजाकर लोगों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? लगता है हमारी चोरी का गांव वालों को पता चल गया, अगर मैं चोरी का माल बाहर लेकर गया तो गांव वाले मुझे बहुत पीटेंगे। ऐसा करता हूँ, इस सामान को यहीं छोड़ देता हूँ और चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर बांसुरी बजाने का इतना ही शौक है तो अपने घर में जाकर बजाओ, यहाँ क्यों लोग की नींद खराब कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम कोई पागल हो। भानु ये सब खड़ा होकर सुन रहा होता है, फिर गांव वालों के पास आकर कहता है, तुम सही कह रहे हो भाई, ये पागल है, इसका जहाँ भी मन करता है वहीं बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। अरे तुम इसे माफ कर दो, अब ये आगे से ऐसा नहीं करेगा। तुम कह रहे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना इसे अभी महाराज के पास ले जाता और सख्त से सख्त सजा दिलवाता, सारी नींद खराब कर दी मेरी, पागलपन की भी हद होती है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। भानु को शमसु पे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तब बांसुरी तुम बजा रहे थे, अरे तुम तो आज मुझे मरवा ही देते। अरे चोरी करते वक्त बांसुरी कौन बजाता है, मैंने सारा सामान चुरा कर झोले में भर लिया था लेकिन तुमने बांसुरी बजा दी, मुझे वो सामान वहीं छोड़ना पड़ा, तुम्हारी बांसुरी की वजह से आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। अरे भानु भैया, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, उस बांसुरी को देख कर मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी, फिर मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैंने वो बांसुरी बजा दी, इस बार मुझे माफ कर दो,
आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, समझे? चलो अब घर चलते हैं, कल हम पास वाले गांव में चोरी करने चलेंगे। दोनों अपने घर चले जाते हैं और रात होने पर दोबारा चोरी करने निकल जाते हैं। सुनो, मैं उस सामने वाले घर में चोरी करने जा रहा हूँ, तुम यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो, अगर कोई आया तो मुझे बता देना और पहले जैसी हरकत मत करना। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ, अपनी आँख और कान खुले रखना। इतना कहकर भानु घर के अंदर चला जाता है और घर का सामान चुराने लगता है। तभी एक आदमी शमसू की तरफ आ रहा होता है, उसे देखकर शमसू डर जाता है, वो समझता है ये भूत है। फिर वो जोर जोर से शोर मचाने लगता है, बचाओ भूत भूत, मुझे कोई बचाओ इस भूत से। ए पागल आदमी, मैं भूत नहीं हूँ, समझे? मैं तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ, मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई है, इसलिए मैं घर के बाहर आ गया हूँ। वैसे तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये किसी को भी भूत समझ लेता है और फिर शोर मचाने लगता है। तुमसे कितनी बार कहा है, यूं लोगों को परेशान मत किया करो, चलो अब यहाँ से। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तुम किस किस्म के आदमी हो, मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँ? तुम्हें वो जीता जागता इंसान भूत दिखाई दे रहा था? अरे आज मेरे हाथ बहुत सारा माल लगा था, वो सब मैंने झोले में भर लिया था, लेकिन तुम्हारे चीखने चिल्लाने की वजह से मुझे वो झोला वहीं छोड़ना पड़ा। अगर तुम नहीं चिल्लाते तो आज मैं बहुत अमीर हो जाता। मेरी मत मारी गई जो मैं तुम्हारे जैसे अहमक आदमी को अपने साथ लेकर आया, तुम्हारी वजह से मैं दो बार नाकाम हो गया हूँ। आज के बाद तुम मेरे साथ मत आना, वरना किसी दिन मैं पकड़ा जाऊंगा। शमसू अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, क्या चोरी करना सही काम है? गोपी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा और ना ही कभी उस भानु के साथ रहूँगा। शमसू चोरी का काम छोड़ और एक बनिए की दुकान पर मजदूरी का काम करने लगता है, जबकि भानु चोरी का काम नहीं छोड़ता। पहले तो वो छोटी मोटी चोरी किया करता था, लेकिन अब वो लुटेरा बन गया था, आते जाते लोगों को लूटने लगा था। ए बूढ़े, क्या इस झोली में? जो भी है मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। लाला, जल्दी से झोली मेरे हवाले कर दे। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मत लूटो। मैंने सारी जिंदगी कमा कमा कर थोड़े बहुत पैसे जमा किए अपनी बेटी के शादी के लिए। अगर ये पैसे मैंने तुम्हें दे दिए तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। ए बूढ़े, ये कहानी मुझे मत सुना, मैं तेरी इस दर्द भरी कहानी से बहकने वाला नहीं हूँ, समझा? चुपचाप ये झोली मुझे दे, वरना अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। वो बूढ़ा आदमी भानु की बात सुनकर डर जाता है और अपनी झोली भानु को देकर चला जाता है। भानु झोली को लेकर अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, आज तो मेरे हाथ बहुत सारा माल लगा है, आज एक बुढ़े को लूटा था, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए हुए थे, अरे मैंने उससे वो सारे पैसे लूट लिए। चलो अब जल्दी से मेरे लिए लजीज सा खाना बनाओ। ये बात भानु का बाप सुन रहा होता है, वो भानु के पास आकर कहता है, बेटा तू ये लूट मार कब छोड़ेगा? चोरी लूट मार से कभी किसी का भला नहीं होता। तू उस गरीब बुढ़े के पैसे छीन के लाया, उसने कितनी मेहनत से अपनी बेटी की शादी के लिए रुपये जमा किए होंगे और तू उन्हें एक पल में उससे छीन लाया। पिताजी, आप मुझे राय मत दीजिए, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अरे आज के जमाने में मेहनत से किसी का भला नहीं हो सकता, लाखों लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें सही से दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, फिर मैं मेहनत मजदूरी क्यों करूँ? देखो एक ही पल में कितना सारा माल लूट लाया हूँ, इससे मेरे 10 दिन का गुजारा आराम से हो जाएगा। देखा पिताजी, लूट मार करने का कितना फायदा है। अरे आज के बाद आप मुझे अपनी राय मत देना, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आओ तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। उधर वो बूढ़ा आदमी राजा के पास पहुंच जाता है। महाराज, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े से पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन एक लुटेरा मेरे से पैसे छीन कर ले गया। कौन लुटेरा तुम्हारे पैसे छीन कर ले गया? किसकी इतनी जरूरत है जो हमारे राज्य में लूट मार कर रहा है? उस लुटेरे ने तुम्हें कहाँ लूटा था? महाराज,
मैं पास वाले गांव के जंगल से होकर अपने घर जा रहा था। एकदम वो लुटेरा पता नहीं कहां से आ गया और मुझे पकड़ लिया। मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। वो कह रहा था कि या तो अपना सारा धन मुझे दे दो वरना तुम्हारा धड़ सर से अलग कर दूंगा। इसलिए मैंने अपना सारा धन उस लुटेरे को दे दिया। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? महाराज मेरी मदद कीजिए। आप परेशान मत होइए, हम उस लुटेरे को जल्द से जल्द पकड़कर तुम्हारा धन वापस दिलवा देंगे। अब आप अपने घर जाइए और आराम कीजिए। बूढ़ा आदमी अपने घर चला जाता है। राजा दो सैनिकों को भानु लुटेरे की तलाश में भेजता है, लेकिन सैनिकों को वो लुटेरा कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए वो थकार कर महल वापस आ जाते हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा होता है कि उस लुटेरे को कैसे पकड़ा जाए, इसलिए वो एक योजना बनाते हैं। राजा दो सिपाहियों को साधारण भेष में कुछ धन देकर उस जंगल में रवाना कर देते हैं। जैसे ही भानु की नज़र सैनिकों पर पड़ती है तो वो सोचने लगता है, आज तो तेरी किस्मत ही खुल जाएगी भानु। ये दोनों आदमी कितना सारा धन ला रहे हैं, अब मैं इनसे ये धन लूटूंगा, उसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। चलो अब जल्दी से इन्हें पकड़ लेता हूँ, कहीं भाग ना जाए। भानु जल्दी से जाकर उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो ये सारा धन मुझे दे दो, वरना अभी तुम्हें ऊपर पहुँचा दूंगा। लाओ जल्दी करो। तुम्हें क्या लगता है ये सारा धन हम तुम्हें दे देंगे? अगर हिम्मत है तो ले लो। सुनो, मेरे पास ये फालतू बकवास भरी बातें सुनने का समय नहीं है। अरे सीधी तरह ये सारा धन मेरे हवाले करो, वरना अभी तुम दोनों की जान ले लूंगा। अच्छा तो तुम हमारी जान ले लोगे? लेकिन हम मरना नहीं चाहते। लो ये सारा धन तुम ले लो। जैसे ही भानु सिपाही से धन लेने के लिए अपने हाथ आगे करता है, तुरंत ही दोनों सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। तो तुम हो वो लुटेरे जो आते जाते गरीबों को लूटते हो, क्या तुम्हें इन गरीब लोगों को लूटते हुए इन पर दया नहीं आती? ये कितनी मेहनत से थोड़े बहुत पैसे जोड़कर इकट्ठा करते हैं और तुम इनके पैसे एक पल में ही लूट कर ले जाते हो। इसके लिए मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। आगे से कभी भी कोई चोरी या लूटमार करने की सोचेगा भी नहीं। सैनिकों, इस लुटेरे को जेल में डाल दो, कल इसे सजा सुनाई जाएगी। और इन बुजुर्ग आदमी की बेटी की शादी के लिए धन दे दो, जिससे ये अपनी बेटी की शादी करते हैं। इस तरह भानु को अपने किए की सजा मिलती है। राजा के द्वारा मिले धन से वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की शादी कर देता है।